दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, ये हैंगिंग बास्केट के उसमें जो पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं, बहुत हल्की भुरभुरी पॉटिंग मिक्स, इसके उसमें जो वीडियो है वो बना रहा हूँ। एक मैंने वीडियो पहले बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी उसका डाल रखा मैंने, वो देख लेना आप। क्या कहते हैं, जो हैंगिंग बास्केट हैं इसमें जो मिट्टी है बहुत हल्की चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो हल्की, ये जो फूल होते हैं जो भी है आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं उसकी जड़ें बहुत हल्की से हल्की होती हैं, जो फैलने के लिए हल्की मिट्टी चाहिए उसके लिए। तो मैं वो मिट्टी के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले जो मैंने हैंगिंग बास्केट में ये फूल लगाए हैं वो आप देख लीजिए, कितने अच्छे फैल लगे हैं, इसमें बढ़िया से हो रहे हैं। ये देखिए, फ्लॉक्स का जो फ्लावर है ये मैंने लगाया है, इतने बढ़िया से हो रहा है। देखिए, एक मैंने खुद बीज से उगाए हैं, और ये देखिए पैंसी का ये लगा रखे, पैंसी ये भी मैंने बीज से उगाए हैं। ये सब हैंगिंग बास्केट में जो मिट्टी जो इसकी इतनी भुरभुरी, ये देखिए ऐसी मिट्टी चाहिए बिल्कुल हल्की, जिससे कि इसकी जड़ें इसमें फैल सकें और फ्लावरिंग पूरा जो हैंग बास्केट है वो पूरी फ्लावर से भर जाए, जिससे कि बास्केट अच्छी लगे, तभी इसमें जो मज़ा आता है हैंगिंग बास्केट के जो पॉट लगे होते हैं उसमें। मैं आपको इसकी मिट्टी बनाना दिखाता हूँ, आइए देखिए। ये वीडियो जो है ये पार्ट टू है, पार्ट वन जो है पहले बना चुका हूँ, और जो पार्ट टू में नए जुड़े हैं, जो इस वीडियो में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अब देखिए, मैं जो हैंगिंग बास्केट में जो पिछला वीडियो था उसके बाद की शुरुआत है। ये जो मैंने ये राइस हस्क है, देखिए ये हल्का सा इसमें जो है, हल्का सा देखिए, हल्की सी आग लगाई थी जिससे कि ये जल के थोड़ा सा, बिल्कुल भूसा नहीं करना है, हल्का हल्का ये रहने चाहिए पार्टिकल जो इसके राइस हस्क के हैं, ये रहने चाहिए, हल्का सा कार्बनाइज्ड हो जाए, मतलब हल्का कार्बन टाइप का आ जाए जिसमें, क्योंकि अगर इसमें, अगर इसको हम ऐसे ही लगाते हैं तो इसमें मॉइस्चर आने का डर रहता है, मॉइस्चर से आपके जो है फंगस भी पकड़ लेता है पौधा और जल्दी सूखते नहीं हैं। तो इसके लिए हमें, देखिए ये मैं एक बास्केट का आपको बता रहा हूँ, ये मैंने जो राइस हस्क है ये लिया है राइस हस्क, और ये देखिए ये सड़े हुए गोबर की खाद है इसमें यूज होगी, एक पार्ट इसका लेंगे हम, एक पार्ट ये, बस दो ही चीज़ें चाहिए, बाकी जो अपनी जो खाद वगैरह है वो आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं इसमें, बाकी ये दो दो चीज़ें तो ज़रूर चाहिए। इन दो चीज़ों से बगैर मिट्टी के ये आपका जो है पॉट तैयार हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे, हमने ये खाद एक पार्ट ये लिया, इसमें एक पार्ट ये राइस हस्क का जो था कार्बोनाइज्ड ये डाल दिया, बस इसको अच्छे से मिला लिया बिल्कुल बढ़िया से, इसको मिलाने के बाद क्या होता है, जो ये एक तो खाद है गोबर की और ऊपर से जो राइस हस्क है ये बहुत हल्का होता है, देखिए कितनी हल्की मिट्टी बनेगी इससे, इसमें जड़ें इतनी अच्छे से फैलेंगी। मैं आपको और जो है इसमें क्या क्या मिलाना है वो भी बताऊंगा, पहले आप ये इसको बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए। ये देखिए, जैसे ये हैंगिंग बास्केट है इसमें चार होल कर रखे मैंने, चार होल है इसमें, हल्की जो है ये डिपरी लगा लेंगे, डिपरी मतलब ये खाली ये कोई भी पत्थर वत्थर इसमें रख लेंगे, जिससे कि जो इसकी मिट्टी है वो बाहर ना आए पॉट से, बाकी इसका और कुछ यूज नहीं हुआ, मिट्टी बाहर ना आए उसके लिए होता है। ये हमने डिपरी लगा दी, इसमें ये भर दिया, मिट्टी तैयार कर दी है। ये आप इसी तरीके से एक पॉट तैयार कर सकते हैं, और बाकी जो आप अगर एक्स्ट्रा पॉट बनाना चाहते हैं वो उसके लिए अलग से बना सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा मिलाएंगे, देखिए इतना मात्रा, करीब 8-10 दाने इसमें DAP डाल देंगे। DAP मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये सीजनल फ्लावर जो है प्लांट लगा रहा हूँ इसमें मैं, पैंसी का, और पैंसी जो है 2-3 महीने सही चलता है, उसके बाद तो फिर ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये सीजनल फ्लावर प्लांट है। देखिए ये जैसे ये पॉट है मैंने लगाया था, इसमें ये बीज से ग्रो कर रखा, इसको मैं निकालूंगा, देखिए इसको बढ़िया से ऐसे निकालना है जिससे कि इसकी जड़ें ज़्यादा ख़राब ना हो। ये देखिए इसमें इतनी जड़ें आ रही है, देखिए पूरा फैल गया है। ये देखिए जो इसकी जड़ें हैं ये बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए, इसमें ऐसे रख दीजिए, और जो बाकी का जो
बचा हुआ है वो इसमें ऐसे भर दीजिए। डीएपी जो है डाई अमोनियम फास्फेट होती है, इससे क्या होता है कि ये जल्दी से पौधों को तुरंत खाद के रूप में दी जाती है, जिससे कि इसमें फ्लावरिंग बढ़िया हो। उसमें फास्फोरस की मात्रा भी होती है और पोटेशियम और नाइट्रोजन, ये तीनों चीज़ें अगर पौधे को तुरंत मिल जाए तो वो जल्दी से ग्रोथ करता है और जल्दी उसमें फ्लावरिंग होती है। ये देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी बनी है। ये मिट्टी आप किसी भी पौधे में यूज कर सकते हैं, आप किसी भी फल सब्जी वाले में भी। मैं लेकिन ज़्यादातर हैंगिंग बास्केट में इसका यूज ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि उसके लिए हल्की मिट्टी चाहिए। ये देखिए कितना हल्का पॉट बना है। अगर हम इसको कहीं लगाएंगे भी तो ये कोई मतलब सेफ्टी का इशू भी नहीं है, कहीं कुछ टूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा इसमें, और इसकी जड़ें अच्छी फैलेंगी। ये आप अपनी बालकनी में या कहीं भी इसको लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा मिट्टी है। देखिए इसमें जो मैंने इसमें टांगा, इसको इसमें तार में भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, जिससे कहीं भी आप टांगते हैं उसमें लोड नहीं पड़ेगा, तो आपका हैंगिंग बास्केट सेफ रहेगा। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे हम, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, आजकल जो है जाड़ों का सीज़न है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो आज इसमें फंगस भी आ सकते हैं। ये देखिए मैंने और हैंगिंग बास्केट ये लगा रखी, इनके मैं अपडेट दिखा रहा हूँ आपको। ऐसी मिट्टी इसी मिट्टी में लगा रही है ये, मैंने जो है बीच में जो है इसमें ट्रांसफ़र कर रखे, करीब इसको 10-15 दिन हो रहे हैं। अब देखिए कितने बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं ये पैंसी के, कितने खूबसूरत फूल होते हैं, देखिए तितली के प्रकार के फूल होते हैं। ये सब मैंने इसी इसमें टांग रखे, इसी मिट्टी में बनाकर इनको लगा रखा है। तो आप बताइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में बताइए अगर कुछ आपकी क्वेरीज वगैरह हैं। धन्यवाद।